देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारनाथ, जहां का कंकर कंकर शंकर की महिमा का गान करता है। जहां की वायु में अध्यात्म है, जो युगों युगों से मानव की आस्था का केंद्र रहा है। हर साल जिसने लाखों लोगों को मोक्ष का वरदान दिया है, वो केदारनाथ शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक आख्यान के अनुसार ये मंदिर महाभारत काल में बनाया गया। महाभारत के युद्ध में कौरवों का वध करने के बाद पांडवों में अपराध बोध की भावना घर कर गई। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शंकर की शरण में हिमालय जाने को कहा। उसके बाद पांडव लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ भैंस उनको दिखाई दिए। पांडवों के समझ में आया नहीं कि अब शिव जी का दर्शन हमें कहाँ से होगा। तब उनको ज्ञान हुआ हमारे शिव जी का एक दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है। तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि शिव जी इन पशुओं में होगा जो भैंस थे वहाँ पर। तो उस भैंस को उन्होंने स्पर्श करने लग गए। एक भैंस उनको स्पर्श करने नहीं दिया। तब उन्होंने सोचा कि यही भगवान भोलेनाथ है, ये सोच करके उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। भैंस आगे दौड़ता रहा और पांडव लोग पीछे दौड़ते रहे। कुछ दूर जाने के बाद भैंस जमीन में घुसने लग गया। तब तक पांडवों ने जा करके भैंस के जो पिछले भाग है, पृष्ठ भाग है, उसको स्पर्श कर लिया। स्पर्श करते ही शिवजी उनको ज्योतिर्लिंग रूप में पांडवों को दर्शन दिया है। शिवजी ने पांडवों की दृढ़ इच्छा शक्ति देखते हुए उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस बीच भैंसे का सिर नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ में निकला। बाद में केदारनाथ और पशुपतिनाथ दोनों स्थान शिव के ज्योतिर्लिंगों के तौर पर प्रसिद्ध हुए। जहां केदारनाथ में आज उस भैंसे के कुबड़ की पूजा की जाती है, तो पशुपतिनाथ में भैंसे के सिर का पूजन होता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली के बाद भैया दूज तक के लिए खुलते हैं और फिर वर्ष के अन्य भाग के लिए प्रतिकूल मौसम के कारण बंद कर दिए जाते हैं। दीपावली के बाद जो भैया दूज आता है, उस दिन निश्चित रूप से भगवान केदारनाथ जी का शिव समाधि पूजन करने के पश्चात 6 महीने के लिए कपाट बंद किए जाते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है केदारेश्वर की पूजा 6 महीने नर लोग करते हैं, 6 महीने देवता लोग करते हैं। इसलिए ये विधान है केदारनाथ जी का शिवालय 6 महीने खुला रहता है, 6 महीने देवताओं के लिए पूजा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि केदारनाथ यात्रा के विचार करने मात्र से व्यक्ति पुण्य का भागी बन जाता है। इसके बारे में लिखा है कि ये बदन्यतिप केदारम गमिष्यामि इति क्वचित्। माने जिसने घर में बैठे बैठे भी कहा कि मैं केदारनाथ की यात्रा करूंगा
और किसी कारणवश नहीं कर पाता, तो देवेशी पितरस्ते साम, शंकर जी कहते हैं देवी पार्वती, उसने घर में कहा था कि मैं जाऊंगा, नहीं जा पाया, उसका भी उद्धार हो जाता है। सन 2013 में आई प्रलयकारी बाढ़ ने केदारनाथ सहित पूरी घाटी को तहस नहस करके रख दिया। केवल मनुष्य ही नहीं, हर जीव जंतु इससे प्रभावित हुआ। पर ये मंदिर उस भीषण आपदा के बीच भी अचल अडिग खड़ा रहा। उस विनाशकारी प्रलय के 2 साल बाद आज इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र को फिर से विकसित किया जा रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में ये यात्रा और भी सुरक्षित व सरल बनाई जा सके। केदारनाथ में उत्तराखंड के लोगों की इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो बदलाव आया है, जो कुछ कर सके हैं, और 1 साल में आप और बड़ा बदलाव देखेंगे और 2017 तक आप ये देखेंगे कि पूरे अद्भुत रूप में भगवान शिव जो है सुंदरतम रूप में यहाँ आपको दिखाई देंगे। शासन, सेना और स्थानीय लोगों के संयुक्त प्रयासों से केदार घाटी की यात्रा और सरल और सुरक्षित हो रही है, ताकि फिर से कोई आपदा शिव की भक्ति में विघ्न न डाल सके।